नाउ वेलकम बैक टू थर्ड लेक्चर ऑफ प्रोजेक्ट 3। इससे पहले हमने डेटा समझा, डेटा को इम्पोर्ट किया, डेटा मॉडलिंग देख लिया पूरा का पूरा। नाउ इट इज टाइम टू क्या बनाना है उस डेटा को समझने के बाद। तो मैंने ऑलरेडी बना करके रखा है और उसको मैं आपके साथ में सॉल्व करूंगा। तो मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चंस बताऊंगा, उसको कैसे सॉल्व किया गया, और उसके बाद मैं उसको सॉल्व करके आपको दूसरे इस पे दिखाऊंगा। तो क्वेश्चन मेरा ये है, सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे हम इसको ओपन कर लेते हैं, ऑलरेडी बना हुआ है। सो यहाँ पे है कि एक्चुअल एंड प्लान, या एक्चुअल एंड बजट भी बोल सकते हो, बाय आईटी एरिया। मतलब आईटी एरिया जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, बीयू सपोर्ट है, फंक्शनल गवर्नमेंट एंड जो भी है, मतलब ए टू जेड, उसमें कितना प्लान किया गया था और कितना स्पेंड हुआ है। फॉर एग्जाम्पल इंफ्रास्ट्रक्चर में अराउंड जो प्लान था, यहाँ पे आप देखोगे एक्चुअल 50.54 में स्पेंड हुआ है, लेकिन उस कंपनी का प्लानिंग था सिर्फ और सिर्फ 46.34 मिलियन डॉलर स्पेंड करना। राइट, तो ये कैसे क्रिएट करेंगे, ये टूल टिप है, टूल टिप मैं इसमें बताऊंगा नहीं, टूल टिप आपको पता है कैसे क्रिएट करना है, एक अलग से पेज पे क्रिएट करके वो डेटा डाल दो और उसके ऊपर शो कर दो। राइट, तो हम सिर्फ समझेंगे कि ये जो चार्ट है ये कैसे प्रिपेयर किया गया, कि काफी इंटरेस्टिंग दिख रहा है। एक्चुअल एंड प्लान, एक्चुअल में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्होंने प्लान किया था कि 46.34 मिलियन डॉलर के आसपास स्पेंड करेंगे उस साल में, पूरे साल में जो भी यहाँ पे जो डेट होगा, लेकिन उन्होंने स्पेंड किया 50.54, मतलब अपने बजट को इन्होंने एक्सीड कर दिया। तो कहाँ पे गलती हुई? राइट, तो ये अलग अलग एरिया के लिए, कभी इसके लिए देखोगे, फिर इसके लिए देखेंगे, तो इससे क्या मालूम पड़ता है, प्लान 30 मिलियन डॉलर था लेकिन 32 डॉलर का एक्चुअली में खर्चा हुआ। फिर यहाँ पे फंक्शनल में देखेंगे तो यहाँ पे प्लान 21 मिलियन डॉलर का था लेकिन एक्चुअल में सिर्फ 19 मिलियन डॉलर के आसपास खर्चा किया, मतलब दे आर इफिशियंट। राइट, यहाँ से ये चीज क्लियर मालूम पड़ रहा है। तो इसको कैसे बनाना है वो हम देखेंगे। तो आ जाते हैं हमारे इस स्क्रीन पे जहां पे हम क्रिएट करेंगे बेसिक से। तो आपको क्या लेना है, लाइन एंड स्टैक कॉलम चार्ट, यहाँ पे हम ये ले लेते हैं। राइट, कि ताकि आपको समझ गया ना क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे हम ये पहले बनाएंगे, यहाँ सबसे पहले हम वो प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या लेना है, सबसे पहले आईटी सब एरिया, तो यहाँ पे आपको दिखेगा आईटी एरिया था, आईटी सब एरिया ले लेंगे हम, इसको क्या करेंगे एक्स एक्सिस पे डाल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज था, क्या था, आपने देखा रहेगा प्लान और एक्चुअल। अगर हम डेटा व्यू में चले जाए यहाँ से, तो मैं सिनेरियो में आपको दिखा देता हूँ कि एक जगह लिखा था एक्चुअल एंड प्लान। अब मुझे जानना है कि एक्चुअल के लिए कितना स्पेंड हुआ था, तो मैं कैसे मुझे मालूम पड़ेगा, तो यहाँ पे इन्होंने डिफाइन किया सिनेरियो आईडी वन। ठीक है, तो ये मुझे कहाँ पे मिलेगा, फैक्ट में जाऊंगा और यहाँ पे इन्होंने देखो सिनेरियो आईडी डालेगा 1 2 3, और ये जो वैल्यूज है ना, ये मेरा एक्चुअल स्पेंड है फॉर प्लान और एक्चुअल को डिफाइन किया गया इस नंबर से। तो आपको मालूम पड़ेगा कि कैसे कैलकुलेट हो रहा है, पीछे कैसे वो बैकएंड में प्रोसेस हो रहा है। राइट, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग क्या करते हैं, सीधा डायरेक्टली बनाना चालू कर देते हैं। तो सबसे पहले मुझे एक्चुअल कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले डैक्स लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डैक्स लिख लेते हैं कि एक्चुअल में कितना स्पेंट हुआ है और प्लान में कितना स्पेंट हुआ था, मतलब जैसे कि टोटल सेल्स अगर हम कैलकुलेट करते तो कैसे करते थे। राइट, वो लिखना है। तो मैं लिखता हूं पहले एक्चुअल, कि एक्चुअल में कितना स्पेंट हुआ है, फिर से वो कट करके फिर लिखना पड़ेगा। तो यहां पे हम फिर से राइट क्लिक कीजिए न्यू मेजर, या डायरेक्टली आप यहां से भी ले सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूं, यहां पे डायरेक्टली स्टार्ट करता हूं कैलकुलेट। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, एक्चुअल लिख देता हूं कि ताकि हमको मालूम रही है एक्चुअल का है एक्चुअल। ठीक है, कैलकुलेट सम ऑफ फैक्ट वैल्यू, क्योंकि फैक्ट वैल्यू के अंदर में है मुझे पूरा टोटल सम लेना है फिल्टर। अब इसको कैसे मालूम पड़ेगा, फैक्ट वैल्यू में तो पूरा सम कर देगा ना, लेकिन हमको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल का ही टोटल अमाउंट चाहिए, बाकी किसी का नहीं चाहिए। तो टोटल को डिफाइन करने में हमको किस पे जाना पड़ेगा, सिनेरियो में, क्योंकि उसको हमने नंबर देके रखा है। सिनेरियो में भी क्या, डिस्क्रिप्शन, क्योंकि उसके अंदर डिस्क्रिप्शन में हमने या तो सिनेरियो आईडी ले सकते हो, लेकिन हमको वो आईडी नंबर याद करना पड़ेगा, रादर देन आईडी नंबर हम डायरेक्टली टेक्स्ट भी यूज कर सकते हैं। इसको कैसे करना है, ये करने के बाद आप इक्वल डालो, फिर कोलन के अंदर जैसे हम एक्सेल में लिखते हैं, यहाँ पे हम एक्चुअल का स्पेलिंग प्रॉपर होना चाहिए, नहीं होगा तो नहीं आएगा। ठीक है, हमने इसे भी कैलकुलेट किया फिलहाल एक्चुअल, सो ओवरऑल हमको पता लग जाएगा
एक्चुअल है। सिमिलरली क्या करना पड़ेगा, एक मुझे प्लान भी कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, ये तो एक्चुअल में इस कंपनी ने इस साल में या जब तक का ये डेटा इतना स्पेंड किया है, लेकिन प्लान कितना किया था वो भी तो मालूम होना चाहिए ना। तो मैं क्या करूंगा, यही डैक्स को कॉपी कर लूंगा कंट्रोल सी, और उसके बाद फिर से यहीं पे एक मेजर लिखूंगा, न्यू मेजर। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक नया मेजर लिखते हैं, इसको हम एक्चुअल के पे क्या करेंगे, प्लान भी लिख सकते हो आप चाहो तो, बजट भी लिख सकते हो, बजटेड या प्लान, राइट। फिलहाल डेटा के अंदर में प्लान लिखा था तो हम प्लान ही लिख रहे हैं ना, तो उधर हमको चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज ये कैप्चर नहीं करेगा अगर बजट लिखेंगे, लेकिन वहां पे क्या है प्लान। तो यहाँ पे प्लान लिख देता हूँ, और यहाँ पे भी क्या करते हैं हम प्लान लिख देते हैं, ठीक है। होप सो स्पेलिंग करेक्ट है, लेट्स सी, अगर नहीं रहेगा तो वो एरर दे देगा। तो आई थिंक ये करेक्ट है। अब मैं क्या करता हूँ ना, सबसे पहले मैं एक कार्ड लेकर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, कार्ड ले लेते हैं सबसे पहले, इसको कैलकुलेट करने से पहले। तो यहाँ पे मैं कार्ड ले लेता हूँ, और इस कार्ड के ऊपर क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक्चुअल डाल देते हैं। तो ये क्या है, 858 क्या, लेकिन मिलियन डॉलर की क्या, राइट। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं, तो इसको क्या करना है, आप डॉलर में इसको कन्वर्ट कर दो, ठीक है। 858.48 मिलियन डॉलर का टोटल एक्चुअल में स्पेंड हुआ है कंपनी का। एंड सिमिलरली इफ आई वॉन्ट, इसको मैं छोटा कर देता हूं, एक और लगेगा हमको प्लान का, कि कंपनी ने प्लान कितना किया था वो भी तो मालूम पड़ना चाहिए, एक्चुअल में इतना स्पेंड हो गया है, पर प्लान का क्या है, लेट्स सी, 811 मिलियन डॉलर के आसपास का कंपनी ने जो प्लान था इनका, ये प्लान था लेकिन स्पेंड ज्यादा कर दिया। मतलब कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, कि मतलब जो बजट कर रहे हैं उससे ज्यादा एक्सीड कर रहे हैं, तो कौन सा डिपार्टमेंट कर रहा है, कौन सी कंट्री में ज्यादा हो रहा है, कौन से वीपी के द्वारा हो रहा है। सो दिस इज द क्वेश्चन यू शुड आस्क टू योर ब्रेन व्हाइल यू आर डूइंग अ या एनालिसिस कर रहे हो प्रोजेक्ट के टाइम पे, राइट। तो मुझे ये मालूम पड़ेगा कि ये डिफरेंस आ रहा है ऑलमोस्ट 40 मिलियन डॉलर के आसपास का आ रहा है। नाउ हमने यहाँ पे ये डाल दिया ना, लेट्स नाउ व्हाट आई विल डू, एक्चुअल लेकर के मैं यहाँ पे y एक्सिस में डालता हूं, ठीक है। आई थिंक मैंने सब एरिया डाल दिया, सब एरिया नहीं डालेंगे हम, आईटी एरिया सिर्फ डालेंगे, अदरवाइज वो काफी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये किया, फंक्शनल आ गया है, इसमें डेटा नहीं दिख रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, डेटा ले लेते हैं सबसे पहले, डेटा लेबल ऑन, ठीक है, डेटा लेबल ऑन कर दिए। अभी वहां पे एक वो दिख रहा था ना, लाइन भी ले लेते हैं, क्या था हमारा इसमें, सेकेंड था लाइन पे y एक्सिस, तो यहाँ पे आपको दिख रहा रहेगा, इसका भी डेटा लेबल ऑन कर देते हैं। आई थिंक इसका भी ऑन ही है, लेकिन सब क्या हो रहा है ना, बिलियन में आ रहा है, तो बिलियन में हमको समझ में नहीं आ रहा है। सो व्हाट विल डू, विल गो टू दिस विजुअल्स, डेटा लेबल है, इसमें जाकर के हम इसको क्या करेंगे, वैल्यूज को ऑटो की जगह पे आई विल कन्वर्ट इनटू मिलियंस, तो सब क्या हो जाएंगे, मिलियंस पे कन्वर्ट हो गए। सिमिलरली एक्स एक्सिस में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, सबके लिए कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, वाई एक्सिस के लिए सॉरी। तो यहाँ पे वैल्यूज में आकर के मैं इसको भी क्या करता हूँ, मिलियंस में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो 300 मिलियन डॉलर, उसमें से 265 मिलियन डॉलर के आसपास एक्चुअल में स्पेंड हुआ है, एंड इनका प्लान था 20 जो भी है, 290,000 मिलियन डॉलर के आसपास स्पेंड, मतलब एक्चुअल प्लान था लेकिन स्पेंड इतना हुआ है, ठीक है। लेकिन उसमें तो हमको कुछ ब्यूटीफुल स्टेप इस तरीके का दिख रहा, तो इस तरह से कैसे बनाना है, राइट, दैट इज ऑल्सो क्वेश्चन। सो वट आई विल डू, आई विल गो हियर, और हम क्या, कुछ नहीं, यहाँ पे वी आर नॉट अ डिजाइनर, वी आर अ एनालिस्ट, राइट। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरा ये वाई का था ना, सेकेंडरी वाई एक्सेस, सेकेंडरी वाई एक्सेस ऑन करते हैं, सॉरी इस पे जाते हैं, एंड सॉरी सॉरी सॉरी, इसको ऑफ कर देते हैं, फिलहाल लाइन पे जाना है। तो यहाँ पे सॉलिड है, यहाँ पे राउंड के जगह पे ना, यहाँ पे लीनियर की जगह पे मैं इसको स्टेप कर दूंगा, जैसे स्टेप करूंगा तो आप देखोगे स्टेप बन गया है, ठीक है। अब यहाँ पे सॉलिड था तो इसको मैं डॉटेड कर दूं तो डॉटेड आ जाएगा अभी, लेकिन वो इमेज और ये इमेज में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है ना, आपको दिख रहा रहेगा, क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई फिल्टर ही नहीं लगाया, ये पूरे के पूरे जितनी कंट्री सबका ले लिया है। तो व्हाट आई विल डू, यहाँ पे एक ना फिल्टर लगा देते हैं आपके लिए फिलहाल। सो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक फिल्टर, हम करने वाले हैं फिलहाल एक यूरोप कंट्री का हम जानना चाहते हैं कि स्पेंड क्या है भाई। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, कंट्री ले लेते हैं, कंट्री बाय रीजन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये राइट,
सो यहाँ पे क्या करते हैं ना, यहाँ पे हम ले लेते हैं सेल्स बाय रीजन। तो मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा राइट। अगर हम कंट्री बाय रीजन लेंगे तो बहुत सारी कंट्री आ जाएंगी। तो हमने यहाँ पे करके सेल्स बाय रीजन कर लिया, मतलब कॉन्टिनेंट जैसा ले लिया है राइट। लेकिन ये हमको ऐसा नहीं चाहिए, तो इसको हमको ड्रॉप डाउन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ करके वर्टिकल को मैं क्या करूंगा, ड्रॉप डाउन में कन्वर्ट करूंगा। सो हमारा ये हो गया ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, यूरोप ले लेते हैं। यूरोप के ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे ठीक है। अब आपको कुछ उस तरीके का दिख रहा है 50 पॉइंट। अब ये यूरोप का दिखा रहा है, यूरोप में प्लान इतना हुआ था लेकिन स्पेंड इतना हुआ है। अलग अलग कंट्री, अलग अलग कॉन्टिनेंट का आप जो रीजन है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसका कलर हम चेंज करना है तो कुछ नहीं, यहाँ जाकर के आप कॉलम को है इसको इसके जगह पे आप ये कलर कर दो जो वो लग रहा था ठीक है, कलर चेंज हो जाएगा। सेम अगर लाइन को करना है तो लाइन भी जाकर के आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। लेकिन एक चीज याद रखना, हमारा काम ये बिल्कुल नहीं है, ये डिजाइनर लोग आपके लिए करके उनका काम है, वो करके देते हैं। हमारा काम है सिर्फ इनसाइट जनरेट करना। तो यहाँ से मैं क्या क्वेश्चन सॉल्व हुआ हमारा, कि एक्चुअली में प्लान कितना किया गया था और कितना स्पेंड हुआ, ये जो दे रहा है आपका यूरोप में जो ये आईटी एरिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बीयू सपोर्ट फंक्शनल गवर्नेंस एंड ये जो इवेंट है उसमें प्लान कितना किया गया था और स्पेंड कितना हुआ है राइट। तो वो उनके ऊपर फोकस करें कि भाई किसके ऊपर किस में है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये फंक्शनल जो दिख रहा है वो थोड़ा सा बेहतर दिख रहा है, एक्चुअली इतना स्पेंड हुआ है लेकिन जो बजटेड था उससे ज्यादा था। सो ये जो एरिया है बिजनेस यूनिट जो है, बिजनेस एरिया ये आईटी एरिया, ये एक डिपार्टमेंट बेहतर कर रहा है ठीक है। बाकी सब में देखो सब एक्सीड दिखाई दे रहे हैं ठीक है। सो वी आर एबल टू सॉल्व दिस फर्स्ट क्वेश्चन ठीक है।